नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल पोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि अभी हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए सीधे जुड़ते हैं। ये अपनी समस्या लेकर हमारे पास आए हैं। क्या नाम है आपका? जय प्रकाश यादव। क्या हुआ? रहने वाले कहाँ के? पहले ग्राम अजगुड़। क्या है पूरा मामला, क्या है, क्यों आए आप यहाँ पर? आए हैं कि हम लोग काम करते लेबराना, अब घर पर आए नहीं रहे हैं। पत्नी लोग आना जिन्होंने कोड़ता है, थोड़ा बहुत बातचीत हुआ है उन बड़े भाई पत्नी संग, बाकी इसके बाद रानी पड़ोसी मिल के पटा दिए झगड़ा। पटाए के बाद फिर उनकी बात है, इससे 14 तारीख के है, शुक्रवार के आने नहीं, शुक्रवार के 9 बजे लगभग है। फिर इसके बाद पटा दिए पड़ोसी पिताजी, जाके पट गया झगड़ा। इसके बाद उनको पत्नी जाए घरे में रो ले गए, वहीं से ललकारा के जब से मरबे ना तब से हम जिए ना। इसके बाद वहीं से हमें उठने है तो 20 मीटर के घर से दूर रहा था। फिर हमने कुदारी ले पहुँचा और फिर सीधे पाछे वहाँ से पहुँचा, पीट दिया गदाद गदाद, यहाँ मारा फिर यहाँ मारा, फिर जाने पर 5 हज़ार से पिताजी है ना खाले हार जोता था। फिर कुदना ले लाठी घर में घुस कर भाग गया। ठीक, तो थाने आए फिर रिपोर्ट किए? थाने आए थे, हम मिलवे नहीं करे, वहाँ सरपंच पास गए, सरपंच हमें गाड़ी पर बैठाया, थाने में हम घर चले गए, घर कोई मिला नहीं। लेकिन आपके द्वारा तो रिपोर्ट किया गया, जो रिपोर्ट हम आप दिखा रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट थाने में रिपोर्ट किया, सरपंच बाहर रहे थे, सरपंच नहीं थाने में गए। इसके बाद तो हमें डॉक्टरी में भेज दिया, डॉक्टरी इस बात हमें पुलिस लोग साहब मेडिकल हुआ है, एक्सरे हुआ है, एक्सरे हुआ है, क्योंकि हमें डॉक्टरी से छोड़ दिया। इसकी मेरा पत्नी फिर आके यही बालाजी चौराहा पर भेंट हुआ। फिर इसके बाद कहे कि पुलिस वाले भेजते हैं जाओ हमें एक्सरे कराने, फिर लेकर हम एक्सरे करा गए, एक्सरे करा के ले आने, फिर हमें दवाई बीरो कर रहा, घर में जाते हैं काम कर जाते हैं। फिर हुई धमकी। दूसरा क्या नाम है? राम जतन यादव। हमेशा भी विवाद होता है क्या? अरे हमेशा भी आज जाना, 2018 में मार दिया, कपार फट गया था, मेडिकल कराया, ऊपर कोई बिल्कुल सुनाई नहीं आया। बड़े आदमी काम करते हैं, हर जोतते हैं, उस हमें धर के थाने में दबा देते हैं। कहीं ना कहीं देखा जो बड़े आदमी तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज करते हुए तत्काल कार्रवाई भी की है इस पर, और आपको हम दिखा रहे हैं रिपोर्ट, ये देखिए रिपोर्ट है। इसमें पुलिस ने 294, 323, 506, 34 के तहत जो है मामला पंजीबद्ध किया है। हालांकि अभी मामला जो है 14 तारीख को है, तब चाहते क्या हैं आप? चाहते हैं तो हमें बहुत मार दिया है, मतलब हम 2023 में मार नहीं, 23 फरवरी में मार दिया। उनको बिटिया सुविता है, हमें धनवंती नाम है उनको पत्नी के, जिन वही खेत में जहाँ से मारे हैं 14 तारीख, वही खेते में मटर खेते में रहिला काकुबारे तेरा पहुँच कर घसला घसला मार रहे हैं। अभी नकल में हो गए, हमें 15,000 मोबाइल फूटा है, नकल में देख लीजिए पूरे। फिर उसके बाद बिल्कुल पुलिस वाले गई नहीं, कहना कोई सुनाई है न बुलवाए हैं, और 2018 में मारे थे वही लोग। तो चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि हम लोग अखला वो सजा सहे और जाए जेल में, यह सा चाहते हैं। उनका परेशान बहुत हाली हाली मारते हैं, घर में दमचाते हैं। दो भाई, एक भाई मेरा से बड़ा है तो सामने देखा था। नाम बताएं आरोपी का? अपना जो मारपीट करते हैं राम जतन यादव। कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो राम जतन से ये लोग काफ़ी पीड़ित हैं, जिसके बाद ये स्टूडियो में आए हैं अपनी समस्या को लेकर। आइए सीधे इनके पत्नी के साथ जुड़ते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या था, किस बात को लेकर विवाद और लड़ाई शुरू हुआ है। क्या नाम है आपका? देवमती यादव। क्या समस्या है? सर बार बार मारते हैं हम लोग का, और घर में रहने नहीं देते हैं। हमारे घर आंगन जाते हैं तो बोलती हैं किसको साह के मसीक देंगे, और एक लड़का है तो बोलता है कि इसको कभी कभी इसका मम्मी नहीं रहती है तो इसको कुआं मार कर डाल देंगे। किस बात को लेकर लड़ाई होता है बार बार? बार बार सर हम लोग कुछ नहीं बोले, बोले हैं कि हम लोग गोबर नहीं, हम लोग ना रहते घर में तो गोबर बिकते, तो वो बोलता है कि बार बार हम तुम्हारे से लड़ाई करेंगे, बार बार तुमको मारेंगे। नहीं, विवाद विवाद का जड़ क्या है, लड़ाई क्यों होता है? विवाद कुछ नहीं है सर, यही बोले हैं कि हम लोग घर में ना रहते तो तुम लोग गोबर बिकते, तो वो बोलता है कि क्या तुम क्या करोगी हमारा, हम तुमको मार कर बिक देंगे, तुम्हारे शरीर में हार डाल देंगे, ऐसे बोलता है। उसकी पत्नी जैसे नहीं तैसे गाली देती है, यहाँ पे मारे हैं, यहाँ पे पूरा मारे हैं। तब क्या चाहती हैं? सर हम चाहते हैं उसको सजा सजा करवा दीजिए। किस चीज से मारे हैं आपको? कुदारी से। कुदारी से मारे। हाँ।
से जो मट्टी खनते हैं। एक कुदारी टूट भी गया है, उसके पास में लगा है, हाथ इतना फूला था, अभी सुई लगवाए हैं तो आराम हुआ है। सर बहुत दर्द कर रहा है, अब चल ही नहीं पाते, कुछ भी काम नहीं पाते। गैता भी है जो जिसमें माटी कोड़ते हैं, गैता भी हमारा। अभी आप बता रही, इससे पहले भी लड़ाई हुआ था, किस बात को लेकर हुआ था पहले लड़ाई? पहले लड़ाई कुछ बात नहीं था सर, हम लोग नंदी घर गए थे तो बोले कि दो छेपे एक झोंको किसी को मारेंगे। अब लोग ससुर लोग बता रहे हैं कि दो छेर में एक झोंको किसी को मारेंगे, अब जिन्होरी कुड़ाई में मारेंगे। वही विवाद हुआ? हाँ वही विवाद हुआ। मतलब विवाद काहे के लिए हो रहा है ये नहीं मालूम? ये नहीं मालूम है सर, इस सब बात को लेकर कुछ। हाँ बोलते हैं कि चलो तुम पक्षी बल जिन्होरी को न जाओगे तुम्हारा हाथ को तोड़ कर बैठा देंगे। कितना जमीन है लगभग? दोनों भाई हैं आप लोग ना? कितना जमीन होगा टोटल, कई एकड़ है? खाते की जमीन है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से विवाद हो रहा है, हालांकि बरसात के समय में विवाद तो होता ही है जमीन में खेती जुताई बुआई को लेकर, लेकिन इस तरह से अगर मारपीट होगा तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होगा कि अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन को हमेशा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल आप बने रहे बुलबुलपुर के साथ, धन्यवाद।